सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। सावधान, नौकरी देने के झांसे में हो सकती है आपकी भी लूट। मामला हरदोई जिले का है, जहां सुपरवाइजर की नौकरी देने के बहाने कुछ लुटेरे ठग घूम रहे हैं। और यह खुलासा तब हुआ जब गुरुवार को हरदोई के शाहबाद में सांसद अंशुल वर्मा के प्रतिनिधि सुरजीत वर्मा ने डाक बंगला स्थित गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया। और ये बैठक आयोजित की गई थी लोगों की समस्या सुनने और उनके समाधान को ढूंढने के लिए। इस बैठक में कई कार्यकर्ता और ग्रामीण भी शामिल हुए। महीना में 13,000 रुपया ले आई नौकरी के लिए, 120,000 कई 2 महीना के अंदर नौकरी लगवाई थी, लेकिन कुछ 2 महीना बीत गए तब हमने कही कि पैसा हमारा मिला नौकरी में नहीं लगवाए, पैसा मेरे वापस कर दो। और उन्हें माल जेवर 4,000 रुपये दिए, लेकिन उसने एवं लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सांसद प्रतिनिधि के सामने रखी। इसी बीच पिहानी गांव की सुमन ने अपनी समस्या सांसद प्रतिनिधि सुरजीत वर्मा के सामने रखी। उन्होंने बताया कि उनके गांव की एक महिला ने उनसे फंसाया है, जो उनके घर आई थी और उन्हें नौकरी का झांसा देकर 120,000 रुपए ठग लिए। लेकिन अभी जो बैठक हुई थी माननीय केशव प्रसाद मौर्या जी के साथ, माननीय सांसद जी की, तो हम भी थे उसमें, तो जहाँ तक जोड़ा गया है गड्ढा मुक्त सड़क, तो उसमें एक पोर्टल तैयार किया गया है, जहाँ जहाँ सड़कें नहीं बनी है उस पोर्टल www.pwnic.in इस पर जो है जहाँ भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई है वहाँ लोग डाल सकते हैं, अपना क्षेत्र का कोई भी कहीं भी गड़बड़ा है उस पोर्टल पर डाल सकते। उन्होंने कहा था कि नौकरी लग जाएगी लेकिन अभी भी हाथ खाली है। उनसे जब पैसे मांगने के लिए जाओ तो वे लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। लोगों की समस्या को सुनने के बाद सांसद प्रतिनिधि ने लोगों को उनकी यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। महिला ने सभी से ऐसे झांसे में नहीं आने की अपील की है और अगर आप समझदार हैं तो अपनी अकल लगाओ, बहकावे और लालच में न आओ। हरदोई से लवी खान, इंडिया आप तक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।